हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु फैक्ट हिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की खबर चीन के लिए बहुत ही डराने वाली खबर है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि भारत F-35 को खरीद सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का सबसे ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट F-35। हालांकि उसमें इंडिया के हिसाब से कुछ चेंजेस करने की संभावना तो है, पर दोस्तों F-35, आप सोचिए, फुल्ली स्टिल्थ फिफ्थ जनरेशन का विमान, अगर उसे दुनिया में कोई दूसरा जेट टक्कर दे सकता है तो वो है सिर्फ सुखोई 57। जी हाँ दोस्तों, F-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन है। यह रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। दोस्तों, अभी हाल ही में इजराइल ने ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। इसराइल ने अपने F-35 को वहां भेजा था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। हालांकि ईरान ने अपने रडारों को लगा रखा था पर F-35 को पकड़ नहीं पाए। F-35 वहां पर आया, उसने वहां बमबारी की और वह अपने बेस पर लौट भी गया। उसके बाद ईरान की सरकार को ये बात पता चली थी कि F-35 ने हमारे परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। दोस्तों, F-35 के मुकाबले का एक भी फाइटर चाइना के पास नहीं है। हाँ, चाइना ये दावा तो करता है कि उसका चेंगदू J-20 पांचवीं पीढ़ी का विमान है, पर दोस्तों यह संभव नहीं है। पांचवीं पीढ़ी के अभी तक सिर्फ दो ही तरह के विमान हैं, एक तो F-35, दूसरा सुखोई 57। हाँ, चीन का चेंगदू J-20 वो 4.5 जनरेशन का हो सकता है, पर फिफ्थ जनरेशन का नॉट पॉसिबल। क्यों दोस्तों, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, जितने भी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं उन सभी में सिर्फ दो ही विंग्स हैं, जबकि चेंगदू J-20 के 4 विंग्स हैं। अगर दो विंग्स हैं तो वो स्टिल्थ हो सकता है, पर 4 विंग्स में बहुत ही मुश्किल होता है स्टिल्थ होना। हमारे राफेल में भी 4 विंग्स हैं, इसीलिए वो सेमी स्टिल्थ है, फुल स्टिल्थ नहीं है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि वह रडार को चकमा दे सकता है, पक्का नहीं है वो देगा, पर चेंगदू J-20 तो फुल स्टिल्थ हो भी नहीं सकता। क्योंकि आपको याद होगा 2017 में जब भारत और चीन का डोकलाम विवाद हुआ था, उस दौरान हमारे सुखोई 30 MKI ने अपने रडार में चेंगदू J-20 को पकड़ लिया था। वह चाहता तो उस वक्त मिसाइल दाग कर उसे गिरा सकता था, पर उस वक्त जंग का इतना माहौल बना नहीं था। पर आज के हालात कुछ अलग है, हो सकता है जंग किसी भी वक्त छिट जाए, हो सकता है शांति से भी निपट जाए। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि चाइना बिना पीटे मानेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को F-35 खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।